नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NSP न्यूज। मैं चंदन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो आइए देखें हमारी खास रिपोर्ट। भाई और बहनों, लेकिन दिल्ली देश का वो इकलौता राज्य है जिसने पॉलिटिकल कल्चर का एक पांचवा मॉडल भी देखा। ये पांचवा मॉडल है नाकामपंथी। ये पांचवा मॉडल है नाकामपंथी, यानी जो दिल्ली के विकास से जुड़े हर काम को ना कहते हैं और जो काम करने की कोशिश भी करते हैं उसमें नाकाम रहते हैं। इस नाकामपंथी मॉडल ने दिल्ली में न सिर्फ अराजकता फैलाई बल्कि देश के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। भाई और बहनों, इन नाकामपंथियों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन को नाकाम करने का पाप किया है। देश के सामान्य मानवी की छवि को, आम आदमी की छवि को इन नाकाम पंथियों ने बदनाम करके रख दिया है। करोड़ों युवाओं के विश्वास और भरोसे को इन नाकाम पंथियों ने चकनाचूर कर दिया है। इतना ही नहीं, इन्होंने देश में नई राजनीति के प्रयासों को भी नाकाम किया है। ये लोग देश बदलने आए थे लेकिन खुद ही बदल गए। ये लोग नई व्यवस्था देने आए थे लेकिन खुद ही अव्यवस्था, अराजकता का दूसरा नाम बन गए। इन लोगों ने पहले हर किसी को अनाप शनाप कहा और फिर घुटनों के बल चलकर माफी मांग ली। इन लोगों ने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए हर बात से यू टर्न लेने का काम किया। देश की हर संवैधानिक संस्था, हर पद, हर व्यक्ति को गालियां देकर इन्होंने अपने संस्कार, एक प्रकार से कुसंस्कार प्रकट किए। इन्होंने अपनी हर नाकामी का ठिकरा दूसरे पर फोड़ने का काम किया। यही नहीं, ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में जाके खड़े हो गए। पंजाब में देश के विरोधियों और खालिस्तान समर्थकों को इन्होंने ताकत दी। यहां तक कि विदेश जाकर देश विरोधी ताकतों से भी संपर्क करने, संपर्क रखने में इन्होंने कोई संकोच नहीं किया। भाई और बहनों, लेकिन दिल्ली देश का वो इकलौता राज्य है जिसने पॉलिटिकल कल्चर का एक पांचवा मॉडल भी देखा।
ये पांचवा मॉडल है नाकामपंथी। ये पांचवा मॉडल है नाकामपंथी, यानी जो दिल्ली के विकास से जुड़े हर काम को ना कहते हैं और जो काम करने की कोशिश भी करते हैं उसमें नाकाम रहते हैं। इस नाकामपंथी मॉडल ने दिल्ली में न सिर्फ अराजकता फैलाई बल्कि देश के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। भाइयों और बहनों, इन नाकामपंथियों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन को नाकाम करने का पाप किया है। देश के सामान्य मानवी की छवि को, आम आदमी की छवि को इन नाकाम पंथियों ने बदनाम करके रख दिया है। करोड़ों युवाओं के विश्वास और भरोसे को इन नाकाम पंथियों ने चकनाचूर कर दिया है। इतना ही नहीं, इन्होंने देश में नई राजनीति के प्रयासों को भी नाकाम किया है। ये लोग देश बदलने आए थे लेकिन खुद ही बदल गए। ये लोग नई व्यवस्था देने आए थे लेकिन खुद ही अव्यवस्था, अराजकता का दूसरा नाम बन गए। इन लोगों ने पहले हर किसी को अनाप शनाप कहा और फिर घुटनों के बल चलकर माफी मांग ली। इन लोगों ने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए हर बात से यू टर्न लेने का काम किया। देश की हर संवैधानिक संस्था, हर पद, हर व्यक्ति को गालियां देकर इन्होंने अपने संस्कार, एक प्रकार से कुसंस्कार प्रकट किए। इन्होंने अपनी हर नाकामी का ठिकरा दूसरे पर फोड़ने का काम किया। यही नहीं, ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में जाके खड़े हो गए। पंजाब में देश के विरोधियों और खालिस्तान समर्थकों को इन्होंने ताकत दी। यहां तक कि विदेश जाकर देश विरोधी ताकतों से भी संपर्क करने, संपर्क रखने में इन्होंने कोई संकोच नहीं किया।